नमस्ते दोस्तों, दुर्गा एसिल में हमारी सभी दोस्तों को दिल से स्वागत है। आज हम फिर से आ गए एक नई रेसिपी लेके आप लोगों के पास। आज हम बनाए दुर्गा एसिल में मटर की एक बढ़िया सब्जी। अभी तो मटर का सीजन है, इजीली आपको मार्केट से एक मटर मिल जाएगा और ये सब्जी हम बनाए बहुत इजी बन जाएगा घर में और खाने में बहुत लाजवाब होता है। रोटी चावल पुलाव के साथ आप बहुत अच्छे से खा सकते हो प्यार से। अगर ये मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारा चैनल दुर्गा एसिल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है ये वाले रेसिपी के लिए। 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। तेल पूरा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे उबला हुआ मटर और आलू। आप लोग वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हो। ऐसे तो हमने मटर और आलू में नमक दे के ही उबाले थे, अब थोड़ा सा फिर भी नमक दे देते। नमक आप लोग स्वाद के अनुसार देना है। इसको अच्छे से आप फ्राई होने देना है जब तक ना लाल लाल हो जाए। अब करेंगे पेस्ट करना है। दही लिए हमने 50 ग्राम, 4 मिर्ची, तीखा अपने हिसाब से लेना है और देंगे इसमें कसूरी मेथी। देखिए कसूरी मेथी को थोड़ा हाथ से प्रेस करके देना है। अब इसको अच्छे से एक बार पेस्ट कर लेना है। देखिए पेस्ट कर लिए। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर भी 1/2 टीस्पून डालना है। एक कलर के लिए है, तीखा नहीं है ज्यादा। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा सा टमाटर हमने ले लिया है, उसको कट करके हमें अब इसमें डालना है। अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक ना टमाटर का कच्चा जो स्मेल होता है ना वो निकल जाए। 1-1.5 मिनट तक फ्राई करने से ही इसका कच्चा जो स्मेल होता है ना टमाटर का वो अपने आप से चला जाता है। इतना सुंदर लग रहा है ना, कलरफुल, खाने में भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत टेस्टी होता है ये वाला सब्जी। अच्छे से फ्राई हो चुका है, लगभग सब्जी तैयार ही है, सिर्फ छौंका लगाएंगे। इसको उठा लेते हैं अलग से। फिर से थोड़ा 1 स्पून हमने यहाँ पर सरसों का तेल दिए है, छौंका लगाना है, और सादा जीरे इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हींग देंगे, थोड़ा सा अब इसमें पेस्ट को किया हुआ दही कसूरी मेथी और मिर्ची का जो पेस्ट हमने बनाया है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। हल्का
हल्दी देंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च। बहुत बढ़िया कलर आया है। इसको अच्छे से 4-5 मिनट तक भूनना है। ग्रेवी देखिए बन चुका है। अब इसमें डालेंगे शाही गरम मसाला। शाही गरम मसाला हमने इस स्पून के आधी स्पून लेके हल्का सा गरम पानी में रखे थे, अब उसी का पानी हम इसमें डालेंगे। अब सब्जी को इसमें दे देंगे। ये वाला सब्जी आप लोग रोटी से खा सकते हैं, पराठा, पुलाव, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया स्वाद होता है, बहुत चटपटा भी होता है, टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है। सब्जी लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें लगाएंगे हम कसूरी मेथी का छौंका। इसको हाथ में क्रश करके दे देंगे। बन चुका है सब्जी। इसे मिक्स कर लेते और इसको बंद कर देते, प्लेटिंग कर लेंगे।